प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज रेडियो सक्रियता मतलब रेडियो एक्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स महत्वपूर्ण अंक के एक प्रश्न मेथड वही क्लासरूम टीचिंग जो बच्चा अगर नोट नहीं कर पाएगा लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं इसे आपको कैमरे के आगे इस पेपर को ले आऊंगा तो आप वहां से भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रेडियम की अर्ध आयु 1590 वर्ष है। इसका क्षय नियतांक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न अर्धायु कितनी है टी हाफ 1590 ईयर मतलब वर्ष। लैम्डा का सूत्र क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बटे 1590 जब इसे डिवाइड करेंगे सीधा आंसर लिख रहे हैं 4.3 × 10^-4 प्रतिवर्ष। दूसरा क्वेश्चन एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु हाफ लाइफ जिसे कहते हैं अर्ध आयु 60 वर्ष है। यह कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 16वां भाग रह जाएगा इसका क्षय नियतांक भी ज्ञात कीजिए। हम प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है अर्धायु कितनी अर्धायु है 60 वर्ष। कितना रह जाता है एन प्रारंभिक मात्रा एन नॉट होती है एन नॉट बटे 16। ठीक तो एक सूत्र होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 n। ये प्रारंभिक मात्रा है ये बची हुई मात्रा है। बची हुई मात्रा प्रारंभिक मात्रा का कितना रह गई है 1/16 गुना। तो ये कितना हो जाएगा एन नॉट बटे 16 एन नॉट 1/2 n एन नॉट कट गया 1/2 4 2 × 4 × 8 × 16 1/2 n एन का मान कितना आ गया 4। टी का मान कितना होता है एन इंटू टी हाफ एन कितना है 4 टी हाफ कितना है हमारे पास 60 वर्ष 6 × 24 कितना हो गया 240 वर्ष। टी लैम्डा कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ 0.693/60 तो कितना आंसर आ जाएगा डिवाइड करेंगे जब तो आ जाएगा ये 0.01155 प्रति वर्ष। प्रश्न नंबर 3 रेडान की अर्ध आयु 38 दिन है। कितने दिन है बच्चों 38 दिन है। 114 दिन बाद रेडान की अर्ध आयु 38 दिन है। 114 दिन बाद 50 मिलीग्राम रेडान का 114 दिन बाद 50 मिलीग्राम रेडान का कितना द्रव्यमान शेष रह जाएगा। हमारे पास रेडान की अर्धायु कितनी है टी हाफ कितना है बेटा 38 दिन
कितने दिनों पश्चात? 114 दिन पश्चात। टी इज इक्वल टू, एक सूत्र होता है एन इंटू टी हाफ, 114 एन इंटू 38, 38 थ्री जा जाएगा तो एन थ्री आ गया। एन इज इक्वल टू एन नॉट, हमारे पास एन नॉट कितना है बेटा यहां पे? 50 मिलीग्राम, 1/2 की पावर एन। ठीक है, तो कितना हो गया, एन कितना है? 50 मिलीग्राम, 1/2 की पावर 3। 50 मिलीग्राम इंटू 1/8 तो कितना रह जाएगा? 6.25 मिलीग्राम। ठीक, प्रश्न नंबर 4। पोलोनियम की अर्ध आयु 140 दिन है। पोलोनियम की अर्ध आयु 140 दिन है। पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में से, पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम का विघटन, 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4, एन नॉट कितना है? 16 ग्राम। जो विघटित मात्रा है वो कितनी है? विघटित मात्रा कितनी मात्रा है? विघटित मात्रा मेरे पास 15 ग्राम। बची मात्रा कितनी होगी एन? 16 माइनस 15 ग्राम कितनी बच गई बेटे हमारे पास? 1 ग्राम। तो हमारे पास एक सूत्र होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन। एन कितना है? 1 ग्राम। ये कितना है? 16 ग्राम, 1/2 की पावर एन। 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर एन। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। टी कितना होता है? एन इंटू टी हाफ। एन कितना है हमारे पास? कितना है हमारे पास टी हाफ? कितना है टी हाफ है हमारे पास? 140 दिन। 4 इंटू 140 दिन, तो टी कितना आ गया? 560 दिन। तो इस तरह हमारे ये कुछ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। बच्चों जब भी मैं बोर्ड को रब करता हूँ, कोई नया बच्चा होता है तो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ बेटा, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के थ्योरी, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, मतलब इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के डेरिवेशंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल्स, कंप्लीट चैप्टर सभी उपलब्ध है। मतलब ऐसा नहीं है कंप्लीट चैप्टर में से वीडियो उठा के, नहीं, जब किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई तो बिल्कुल अलग वीडियो बनाई, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं करी मैंने वीडियो में। तो बच्चों आप मेरे केडी क्लासेस जो आपने ऑन कर रखा है चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सारी प्लेलिस्ट में सारा सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा। अब हमारा एक न्यूमेरिकल बचता है, देखिए। एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक कैपिटल डी, एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक कैपिटल डी का क्षय निम्न अनुक्रम के अनुसार होता है, निम्न अनुक्रम के अनुसार होता है। अनुक्रम क्या है हमारे पास? डी बीटा क्षय, डी वन अल्फा क्षय, डी टू बन गया, फिर क्या बना आपका?
अल्फा शेयर डी थ्री, ये निम्न हो रहा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, जो डी है हमारे पास, डी की द्रव्यमान संख्या, डी की द्रव्यमान संख्या 219 तथा परमाणु क्रमांक 219 तथा परमाणु क्रमांक 83 है, 83 है। D1, D2 तथा D3 की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक निकालिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, D कितना है, 83 219। हमारे पास क्या हुआ, बीटा क्षय हुआ। बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है, परमाणु भार में कोई कमी नहीं होती। अब हमारे पास क्या हुआ, अल्फा क्षय। अल्फा क्षय में ये कितना हो गया, 84, 84, 83 प्लस 1 कितना हो गया, ये 84। अब परमाणु क्रमांक में दो की कमी होगी, परमाणु क्रमांक एक बड़ा था, अब दो की कमी होगी 82, परमाणु भार में चार की कमी होगी, कितना बचा, 215। फिर अल्फा क्षय हुआ हमारे पास, तो फिर कितना हुआ, D3 में परमाणु क्रमांक 80 रह गया और परमाणु भार आ गया 211। तो बच्चों जब बीटा क्षय होता है, परमाणु क्रमांक एक बढ़ गया, 83 प्लस 1 84 हो गया, परमाणु भार कुछ नहीं बदला। अल्फा क्षय में परमाणु क्रमांक में दो की कमी हुई, परमाणु भार में चार की कमी हुई, फिर अल्फा क्षय हुआ, परमाणु क्रमांक में दो की कमी हुई, परमाणु भार में चार की कमी हुई। बच्चों ये वो क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने सॉल्व किया, मतलब वो सेट है क्वेश्चन का जो मैं सॉल्व करा है। आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको स्टिल और पॉज करके नोट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को जो आपके छूट गए हैं उनको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी कर देता हूँ, आपको ऐसे नोट करना है ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इसी तरह संपूर्ण अध्याय की वीडियोज उपलब्ध थी, आगे आने वाले टॉपिक जो भी कुछ बचे हैं वो उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।